दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी हे विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा राम की ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का सुख फल पाया रूप घर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल चाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुबर पूरन काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की मृदु शोर को लुभावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन किए लब कुश राम प्रसंग सामित्र महा मुनि राई इनके संग चले दो भाई कैसे राम ताड़ी तमारी कैसे नाथ अहिल्या तारी मुनि बर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण देखने पहुंचे मिथिला धाम जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सव है ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की सब प्रसाद मोही
दिन अनुजात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन, सह विस्तार सब कथा सुना आए। राजा राम भये रघु राये, राम राज आयो सुखदाई, सुख सुखि श्री घर घर निष्कलंक सीता में प्रजाई मिथ्या दोष लगाया, अवध ऐसा एक दिन आया। चल दी सिया चब तोड़ कर सब हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में अंगारे जगे विद्रोह के, रघुकुल नायक कोई न सिया का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जग सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक बन गए सन्यासी। उन ऋषि पर आश्रय दिया ले आए निज धाम, ले आए निज धाम। श्रोता गण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपना दिन कैसे काटती है। अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे वो स्वयं अपना काम करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपनी धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपने संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। जनक दुलारे कुल वधु दशरथ जी जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप कूटती है धान भोग स्वयं बनाती है, कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिख के पर काट नहीं पाती है। भूल भी उठाना भाई जिस सुकुमार को, दुख भर जीवन का बोझ उठाती है। जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र से वो पीसती है चक्र